Hey guys, what's up everyone? My name is Dazishan Khan and welcome to the another video of the Chalkbuster where I'm gonna rip up your breath with a new exciting automotive video. So, आज हम बात करने वाले हैं द किया कार्निवल के बारे में, जिसको बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में किया सेडोना और द ग्रैंड कार्निवल के नाम से भी जाना जाता है. तो वीडियो को एंड तक देखें और सो दिस इज़ द किया कार्निवल. सामने से अगर इसकी प्रेजेंस की बात करें तो ये बहुत ही वाइड है और दिस अ प्रॉपर हेड टर्नर MPV. किया ने बहुत अच्छे से डिज़ाइन करा गया है. यहाँ पे जो ग्रिल देख रहे हैं आप, इसे किया टाइगर नोज ग्रिल बोलती है. दिस इज़ द किया का लोगो. एंड हेडलैम्प्स की बात करें तो इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं. और फॉग लैम्प्स की बात करें तो इसके अंदर आपको आइस क्यूब फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं. साथ ही आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है ये फ्रंट पार्किंग सेंसर है. साथ ही इसके अंदर आपको क्रोम मिल जाता है. यहाँ पे गाड़ी की लेंथ की बात करें तो लेंथ है 5115 mm, विड है 1985 mm, हाइट है 1755 mm और व्हील बेस है 3060 mm का. और दूसरे देशों में इसको किया सेडोना और किया ग्रैंड कार्निवल के नाम से भी जाना जाता है. दिस आर द इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM. यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं. ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसके अंदर आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है. कार्निवल की टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 60 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी मिल जाती है. एलॉय व्हील्स जो देख पा रहे हैं ये 18 इंच के एलॉय व्हील्स हैं, क्रोम में मिलते हैं. चारों में आपको इसके अंदर डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं. रियर सस्पेंशन की बात करें तो इसके अंदर मल्टी लिंक सस्पेंशन आते हैं. यहाँ पे आपको टेल लैंप्स LED में मिलते हैं. दीज आर द LED टेल लैंप्स. यहाँ पे क्रोम स्ट्रिप आप देख पा रहे हैं किया का लोगो. टॉप वेरियंट है तो लिमोजिन की बैजिंग. दिस इज़ द रियर पार्किंग कैमरा. यहाँ पे आपको स्किड प्लेट्स भी देखने को मिल जाते हैं जो गाड़ी के लुक को और इन्हेंस करते हैं. दिस आर द रिफ्लेक्टर्स. गाड़ी के इंजन के बारे में बात करें तो दिस इज़ द 2.2 लीटर डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 197.2 BHP एट 440 Nm का टॉर्क मिल जाता है. यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स पे सेंसर मिल जाते हैं जिसको आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी लॉक और अनलॉक हो जाती है. यहाँ पे आपको इनर डोर हैंडल पे भी आपको क्रोम देखने को मिल जाता है जो काफ़ी प्रीमियम फील कराता है. राइट साइड में आपको यहाँ पे ORVM के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं और चारों पावर विंडोज़ जो ऑटो अप एंड डाउन का फंक्शन भी इसके अंदर आपको मिल जाता है. AC वेंट्स. यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, AC 220 वॉट्स का आपको आउटलेट मिल जाता है जिसका सॉकेट रियर में दिया गया है. मैं आपको वह बाद में दिखाऊँगा. नाउ स्टेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल्स मिल जाते हैं. स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको मिल जाता है. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूवो किया का एक ऐप है जिसको आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं और फ़ोन से ही आप गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप AC ऑन ऑफ ऐसे बहुत सारे आपको फ़ीचर्स मिल जाते हैं. यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर आपको ट्राई जोन AC मिलता है, मतलब तीनों में आप अलग अलग रोज़ में अपने हिसाब से टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं जो कि इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में ये फ़ीचर नहीं आता है. यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, 2 कप होल्डर्स. आपको काफ़ी बड़ा हैंडल्स देखने को मिल जाता है और हैंडल्स के अंदर भी आपको स्टोरेज देखने को मिल जाता है. यहाँ पे आप अपने सनग्लासेस रख सकते हैं और स्टोरेज बॉक्स के अंदर भी आपको USB पोर्ट और 12 वाट का सॉकेट मिल जाता है. इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाते हैं, ऑटो होल्ड का फंक्शन, ड्राइवर्स सीट जो है वो फुली वेंटिलेटेड है. गियर बॉक्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है. दिस इज़ द IRVM. ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है. यहाँ पर आपको LED लाइट भी मिल जाती है. नाउ कमिंग टू द इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस कार, यहाँ पर आपको स्लाइडिंग डोर पावर ऑन और ऑफ आप यहीं से कर सकते हैं. टेल गेट भी आप यहीं से ओपन और क्लोज कर सकते हैं. यहाँ पे आपको सनरूफ के भी कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इस गाड़ी में आपको 2 सनरूफ मिलती हैं. यहाँ पे आपको ब्लाइंड फोल्ड मैनुअली ओपन और क्लोज करना पड़ेगा. फ्रंट सनरूफ भी काफ़ी बड़ी है और रियर सनरूफ की बात करें तो वो भी आप बहुत बड़ी है, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगा.
यहीं से आप इसको वन टच क्लोज ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, ब्लाइंड फोल्ड भी आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। ग्लव बॉक्स की बात करें तो आप यहाँ पे अपना छोटा सामान भी रख सकते हैं, गाड़ी के पेपर्स वगैरह। यहाँ पे आपको दो ग्लव बॉक्स मिलते हैं। वायरलेस आप फ़ोन चार्जिंग भी यहीं से कर सकते हैं। स्टेयरिंग की बात करें तो इसके अंदर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाता है। अंदर आपको 8 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले को। इसके अंदर आपको GPS नेविगेशन भी देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वहीं राइट साइड में आपको लाइट से कंट्रोल मिल जाते हैं। और इसके अंदर आपको 6 कर्टन एयरबैग्स मिलते हैं सेफ्टी में। यहाँ आपको IRVM पे 3 बटन्स देखने को मिल जाते हैं, SOS, टो फंक्शन एंड यूवो का जो फ़ोन से कनेक्ट होता है। और दिस इज़ द प्रीमियम फीचर ऑफ दिस कार। यहाँ पे आपने बटन प्रेस करा एंड डोर विल ऑटोमेटिकली ओपन। सेकेंड रो में आपको कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं यहाँ पे, उसको लेकिन आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नापा लेदर मिल जाता है जो कि काफ़ी प्रीमियम है। सीट्स को आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा, इंक्लाइन डिक्लाइन और आगे पीछे। इसको थोड़ा इम्प्रूव करा जा सकता था कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स दे सकते थे, बट इट्स फाइन क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स दिख रही हैं ये। आपको यहाँ पे अंडर लैग सपोर्ट भी मिल जाता है जिससे आप काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल भी करेंगे तो आपको थकावट नहीं होगी। यहाँ पे आपको 10.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। सीट एंड प्रेस दिस बटन एंड द डोर विल ऑटोमेटिकली क्लोज। 5 वे मिल जाते हैं आपको स्लाइडिंग डोर ओपन और क्लोज़ करने के। यहाँ पे आपको सनशेड कर्टन भी मिल जाता है जो कि आपको धूप से बचाएगा। यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, आई मीन सेकेंड रो के, और AC वेंट्स। यहाँ पे आपको 2 ग्लास कप होल्डर्स मिल जाते हैं, स्मार्ट एयर प्यूरीफायर। यहाँ पे आपको 220 वॉट का आउटलेट देखने को मिल रहा है जो कि मैंने आपको बताया जो आगे से ऑन और ऑफ होता है। यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स। काफ़ी ज़्यादा लेग रूम है इस गाड़ी में, मतलब मेरी हाइट अच्छी, और मतलब द हैंड रेस्ट काफ़ी आरामदायक सीट है इस गाड़ी की। बॉटल होल्डर मिल जाता है। पावर विंडो में आप ऑटो अप एंड डाउन का फंक्शन भी मिल जाता है। नाउ काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, और इसकी रियर सनरूफ की बात करें तो ये इतनी बड़ी है कि 2 लोग आराम से खड़े हो सकते हैं। दिस नाउ थर्ड रो की बात करें तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड 2 ग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं, सन शेड भी मिल जाता है रियर में, ग्रैब हैंडल, रीडिंग लाइट, AC वेंट्स, एंड दिस इज द प्रॉपर 7 सीटर एडल्ट। मतलब आराम से इसके अंदर 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं, रियर में भी 7 लोग अच्छी खासी हाइट के यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको रियर में भी आपको 12 वॉट का आउटलेट मिल जाता है। राइट रो में आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, सन शेड, ग्रैब हैंडल, रीडिंग लाइट, AC वेंट। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है ये गाड़ी, और मतलब आप सुकून से रियर रो में भी आराम से बैठ सकते हैं। रियर में भी आपको सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं। रियर में आपको तीनों हेडरेस्ट जो हैं वो आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। बाहर जाने के लिए भी आपको बस ऐसे प्रेस करना है एंड डोर विल ऑटोमेटिकली ओपन। मतलब इतने भर भर के फीचर्स दिए हैं इस कार में। अगेन यू हैव टू प्रेस दिस, डोर विल क्लोज। इस गाड़ी में आपको हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। रूफ रिल्स, शार्क फिन एंटीना, आपको टेल गेट पर बटन प्रेस करना है, टेल गेट विल ऑटोमेटिकली ओपन लाइक दिस। आई मीन मतलब इतने फीचर्स हैं इस गाड़ी में। इसके अंदर आपको बूट स्पेस 560 लीटर्स का मिल जाता है। यहाँ पे आपको 12 वॉट का पावर सॉकेट भी मिल जाता है। 60-40 की स्प्लिट सीट्स मिलती हैं आपको थर्ड रो में। इसको आप ऐसे पुल करके
नीचे भी गिरा सकते हैं। और मतलब इतनी ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी है ये, मतलब आप आराम से अपना लगेज रख सकते हैं। मतलब गेट क्लोज़ करने के लिए भी आपको यहाँ पे बटन प्रेस करना है, टेल गेट विल ऑटोमेटिकली क्लोज। कैमरा रियर में भी आपको वाइपर और डिफॉगर मिल जाते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो इसके अंदर आपको मैकफर्सन फ्रंट व्हील कॉइल स्प्रिंग मिल जाते हैं फ्रंट में। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो ऑटो की बैजिंग। सो दिस वॉज द किया कार्निवल, होप यू गाइस लाइक द वीडियो एंड ऑल थैंक्स टू दिस पर्सन कि इन्होंने मुझे चांस दिया है कि मैं शोरूम पे आके किया कार्निवल का रिव्यू कर पाऊँ। हाय, माय सेल्फ सईद मोहम्मद राहिल, आई एम फ्रॉम किया भोपाल एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय किया कार्निवल फ्रॉम भोपाल डीलरशिप प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन माय नंबर। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको।